हेलो फ्रेंड्स आज हम इंडिया मैप से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझेंगे जो इस प्रकार है इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख पर्वत इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ इंपोर्टेंट पासज ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख दर्रे इम्पोर्टेंट लेक ऑफ इंडिया भारत की प्रमुख झीलें इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया भारत की प्रमुख नदियाँ कोस्ट ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख तट बायोस्पीयर रिजर्व ऑफ इंडिया भारत के जीवमंडल नीचे और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इनमें से प्रतिवर्ष परीक्षा में मैप रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और समझना है तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट माउंटेन ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं हम तो सबसे पहला है काराकोरम पर्वत कौन सा पर्वत काराकोरम पर्वत काराकोरम पर्वत एक विशाल पर्वत श्रृंखला है यह पाकिस्तान ये काराकोरम कहाँ पर है यह काराकोरम यहाँ पर है काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये यहाँ है यह पाकिस्तान भारत चीन भारत में लद्दाख पाकिस्तान में गिलगित और चीन में सिंग तक यह फैला हुआ है दूसरा है गारो खासी और जयंती की पहाड़ियाँ तो गारो ये गारो खासी और जयंती तो ये कहाँ पर है ये गारो खासी और जयंती की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है इन पहाड़ियों का नाम उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया ये तीनों ये मेघालय यहाँ पर गारो खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं इस तरह की पहाड़ियाँ आपको मेघालय में दिखाई देंगी मेघालय को पूर्व का स्टॉकलैंड भी कहा जाता है एक क्वेश्चन है कि पूर्व का स्टॉकलैंड किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है मेघालय को कहा जाता है मेघालय यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा की जो रेंज है पर्वत श्रेगा माउंटेन ये तो सतपुड़ा यह भारत के मध्य भाग में स्थित है यह नर्मदा कहाँ पर है ये सतपुड़ा ये वाला एरिया है, ये सतपुड़ा का है यह नर्मदा तापी नदी के दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पश्चिम से इधर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, है फैला हुआ है इधर पश्चिम है इधर पूर्व की ओर विस्तृत है फैला हुआ है यह पर्वत ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है ये जो एरिया है ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है बात करते हैं पश्चिमी घाट तो पश्चिमी घाट कहा है तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी तट कौन सा है तो यह पश्चिमी तट है यह इधर वाला ये जो है इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट या इसे सादरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है यह उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग सोलह सौ सो किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है अब इसी तरह से यह कहां पर फैला हुआ है यह यहां से चलता है गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक ये ये वाला महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल होते हुए कन्याकुमारी कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु यहाँ यहाँ तक ये यह आ जाता है और यहाँ आकर ये यह समाप्त हो जाता है अब है पूर्वी घाट तो ये पश्चिमी घाट है तो पूर्वी घाट का पूर्व की तरफ होगा तो यह भारत के पूर्वी तट ये ये पश्चिम है तो ये क्या है पूर्व है तो ये ये वाला एरिया है ये ये पूर्वी घाट है तो ये असंतुलित पर्वत श्रृंखला है इसका मतलब है कि ये बीच में से कटी फटी है पूर्वी घाट दक्षिण में आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु से होकर गुजरता है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नीचे यहां से ये होकर गुजरता है ये उड़ीसा भी आ जाता है यहाँ। उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अब बात करते हैं मालवा के पठार की तो मालवा का पठार कहा है तो मालवा का पठार एक त्रिभुजाकार आकार का पठार है जो ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक फैला हुआ है यहाँ मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान तक यहाँ पर यह फैला हुआ है छोटा नागपुर तो छोटा नागपुर कहाँ पर है तो छोटा नागपुर है यह पूर्वी भारत में स्थित है इसमें झारखंड का अधिकतर हिस्सा आता है झारखंड का अधिकतर हिस्सा पश्चिम बंगाल बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इसमें इससे आते हैं तो ये छोटा नागपुर है अब, अब बात करते हैं मेघालय अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेघालय का है तो मेघालय यहाँ है और यहाँ पर क्या पाया जाता है तो यहाँ पर तीन पहाड़ियाँ पाई जाती है कौन कौन सी गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ ये पाई जाती है इनका नाम एक विशेष जनजाति है उनके नाम पर यहाँ पर रखा गया है अब नेक्स्ट है कि दक्षिण पठार या दखन का पठार तो दक्षिण पठार को प्रायद्वीपीय भारत का पठार भी कहते हैं और ये इस एरिया में जो ये एरिया है इसे पूरे सबको को मिलाकर दक्षिणी पठार या दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं तो भारत की प्रमुख चोटी सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर कौन कौन सी है तो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है और केटू तो नंगा पर्वत यहाँ ये नंगा पर्वत है अब जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं पहले एक ही था अब दो बना दिए गए हैं और दूसरा है केटू यानी गॉडविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है हम बात करते हैं आगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी है तो उत्तराखंड में है नंदा देवी और कामेट तो ये नंदा देवी यहाँ पर ये नंदा देवी है और दूसरा कामेट ये कहाँ पर है ये उत्तराखंड में है तो ये आपको दर्शन पूछा जाता है तो आपको ऐसे दिखाना है नेपाल में दोलगरी, अन्नपूर्णिमा और मकालू माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट पता ही है सबसे बड़ी है ये दोलगरी है ये माउंट एवरेस्ट है और ये मकालू है ये कहाँ पर है ये नेपाल में है अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के क्वेश्चन पूछे जाए लेकिन आपको समझाने के लिए आपको याद दिखा दिए गए हैं सिक्किम कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है तो ये सिक्किम में है हमारा सिक्किम स्टेट में कंचनजंगा चोटी है ये कहाँ पर है ये है सिक्किम में ये भारत की सबसे बड़ी चोटियों में इसको गिनी जाती है और इसकी ऊंचाई आठ हजार पाँच सौ छियासी मीटर है ऊंची है और अगर हम बात करें फिट की तो अट्ठाइस हजार एक सौ उनहत्तर फिट ऊंची है छोटी है अब मानस तो मानस है ये ये मानस है ये कहा है बात चीन और तिब्बत के एरिया में है ये मानस है और महेंद्र गिरी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है ये महेंद्र पर्वत है ये यहाँ पर है और ये कहाँ पर है ये उड़ीसा में है तो जब आपको पता होगा कि उड़ीसा में है तभी आप भर पाओगे नामचा बरवा नामचा बरवा कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए कि नामचा बरवा है वो अरुणाचल प्रदेश में है जब आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है तो आप भर पाओगे तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ये और यहाँ पर ये नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है उसकी चोटी है सबसे ऊंची ठीक है ना अरुणाचल प्रदेश में गुरु शिखर गुरु शिखर कहाँ पर है तो गुरु शिखर राजस्थान में है तो राजस्थान यहाँ है यहाँ पर गुरु शिखर पर्वत श्रेणी पाई जाती है डोडा बेटा डोडा बेटा है ये तमिलनाडु में है ये यह यहाँ पर तमिलनाडु में डोडा बेटा है और अन्नाईमुढ़ी ये अन्नाईमुढ़ी केरल में है ये कहाँ पर है केरल में ये यहाँ है ये केरल है ठीक है ना यहाँ और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है डोडा बेटा और मुड़ी तो इसे विशेज ऑफ इंडिया भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करें हम तो जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा है ये जो अभी लद्दाख में आ गया है ठीक है ना ये जो जिला दर्रा ये पूछा जाता है उसके अलावा पीर पंजाल बनियाल वर्जीला और काराकोरम दर्रा भी कहाँ पर है ये भी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं ठीक है ना अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है शिपकिला दर्रा ये बार बार पूछा जाता है तो शिपकला दर्रा कहाँ पर है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ है हिमाचल प्रदेश में सिपक़िला दर्रा कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में अगर उसके अलावा और पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं तो इसके अलावा बाराला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये भी कहाँ पर है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है ठीक है ना ये भी हिमाचल प्रदेश में है ये ये हिमाचल प्रदेश यहाँ है ये ये वाला ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ ये तो उत्तराखंड हो गया ये हिमाचल प्रदेश है ठीक है ना जम्मू कश्मीर से नीचे ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर सपकिला दर्रा है और इसी में ये सारे बारालाचा और रोहतांग दर्रा है यहाँ है ठीक है ना उसके अलावा सिक्किम की बात करें हम तो सिक्किम में नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है नाथुला दर्रा कहाँ पर है सिक्किम सिक्किम आपको पता होगा तो आप नाथुला दर्रा के बारे में ठीक से बताओ उसके अलावा है जैल्पा ये भी सिक्किम में ही है जैल्पा दर्रा है ये भी सिक्किम स्टेट में ही है बोम दर्रा बोम डीला दर्रा कहाँ पे तो बोम दर्रा है ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर ये वाला बोम दर्रा है ये ये बॉम डीला इधर ये इधर ठीक है ना बॉम डीला समझ में आ रहा होगा आपको जो इंपॉर्टेंट ये दिखाया है एक तो सिपकीला दर्रा ये इंपॉर्टेंट है नाथुला दर्रा इम्पोर्टेंट है बॉम डीला दर्रा इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में केरल में पालघाट दर्रा तो ये जो पाल घाट है ये केरल में है ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी कई बार पूछा जाता है सेन कोट दर्रा भी केरल में ही है महाराष्ट्र में जो प्रमुख दर्रे हैं वो पालघाट दर्रा और बोरघाट दर्रा तो महाराष्ट्र में ये बोरघाट दर्रा है और यह है तालघाट दर्रा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इसलिए विशेष रूप से ध्यान देकर इसको देखें और समझें अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं उसके बारे में जो ये कलरफुल है ये विशेष रूप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यह है वुलर झील वुलर झील कहाँ पर है तो वुलर जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है वुलर झील है उसके अलावा डल झील भी और पेंगोंग और सोमे ये सारी झीलें कहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर इसमें लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांट दिया गया है तो कुछ लद्दाख में है और कुछ ये अब ये वुलर और पेंगोंग लद्दाख में होगी और डल और सोमे रिरी कहाँ पर होगी जम्मू एंड कश्मीर में हो गई हैं राजस्थान में कौन सी झील है तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध झील है वो सांभर झील है इसके अलावा पुष्कर झील है जयसमंद है राजसमंद है पिछोला है ये लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे है सांभर और पुष्कर झील में तो सांभर झील वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है देखना है उत्तराखंड में नैनीताल झील ये उत्तराखंड में नैनीताल झील है मानसरोवर झील तो मानसरोवर झील है ये कहाँ पर है तो ये तिब्बत ये यहाँ ये तिब्बत में सिंधु नदी का उद्गम है वहाँ पर है ये मानसुर झील उसके बाद लोकटक झील जो हम राजस्थान हमारे इंडिया की बात करते तो लोकटक झील के मैप रिलेटेड भी पूछा जाता है और कई बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है लोकटक कहाँ है तो लोकटक कहाँ तो लोक पर है मणिपुर में तो मणिपुर कहाँ है यहाँ है मणिपुर और मणिपुर में कहाँ पर है ये लोकटक झील है उसके अलावा मानस झील तो मानस झील है ये यहाँ पर है और यह है असम में मानस झील कहाँ पर है ये वाला एरिया है ये असम में मानस झील है मानस पर्वत भी है और मानस झील भी है चिलका झील चिलका झील का है तो चिलका झील है ये यहाँ उड़ीसा में है ये भी पूछा जाता है आपसे तो इसकी प्रैक्टिस में बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है कोलेरू झील है कोलेरू झील और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में दोनों झील हैं ये बार बार पूछे जाते हैं ये भी तो कोले आंध्र प्रदेश में कौन सा कोलेरू और उल्किट याद करना है आपको केरल में केरल में जो है वो है वेबनांद झील है ये केरल में है ये यहाँ पर स्थित है तो जो मेन है आपका वुलर झील सामर झील उसके अलावा मानस झील चिलका झील कोलोरी और पुल पुलकित झील और वेमनाथ झील ये आपको ठीक से याद करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो प्रमुख नदियाँ हैं परीक्षा में पूछा जाते हैं वो यहाँ दिए गए हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगा नदी की <coughs> तो गंगा नदी यहाँ है और इसका उद्गम है जो गंगोत्री उत्तराखंड में गंगोत्री जगह है वहाँ से इसका उद्गम है निकास हुआ है यमुना की बात करें तो यमुना का उद्गम है उत्तराखंड में यमुनोत्री से हुआ तो ये गंगा पर है यहाँ पर और यहाँ पर है यमुना ठीक है जो यहाँ दिल्ली के किनारे दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है उसके अलावा ब्रह्मपुत्र इसका उद्गम है जो तिब्बत में मानसरोवर झील है यहाँ से इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और ब्रह्मपुत्र नदी है ठीक है ना ये यहाँ से ये जो आ रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु तो सिंधु है जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है नर्मदा नदी है नर्मदा नदी यहाँ पर है और ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक के पास से निकलती है चंबल नदी है तो चंबल नदी यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के मौके निकट से जाना पाओ की पहाड़ियों से ये निकलती है कावेरी की बात करें तो हम कावेरी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं और यह कावेरी नदी यहाँ पर है उसके अलावा ताप्ती या तापी जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई नगर से निकलती है कौन सी तापी या ताप्ती नदी तो ये तापी या ताप्ती नदी यहाँ पर है उसके अलावा चेनाब जो हिमाचल प्रदेश लाहौल बारह भारत लाचा जो यहाँ पर था कहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ तो यहाँ से ये निकलती है जिन ये ये। उसके अलावा कृष्णा जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर ये कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है गोदावरी है गोदावरी जो पश्चिम घाट है ये पश्चिम घाट यहाँ गोदावरी पश्चिम घाट के त्रमक पहाड़ी और नासिक के पास से निकलती है और पेन्नार पेन्नार है वो कर्नाटक पेन्नार नदी एरी ये कर्नाटक में है और ये यहाँ से निकलती है उसके अलावा दामोदर दामोदर नदी है ये दामोदर है ये झारखंड के छोटा नागपुर जो पर्वतों के बारे में पठार के बारे में बताया गया था वहाँ झारखंड तो के छोटा नागपुर है यहाँ से ये निकलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम भारत के प्रमुख तट हैं कोस्ट ऑफ इंडिया वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं काठियावाड़ तट इसकी काठियावाड़ तट की बात करते हैं हम तो काठियावाड़ तट है ये गुजरात से मुंबई तक ये काठियावाड़ तट है ये ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र यानी मुंबई तक यहाँ तक फैला हुआ है कोंकण तट है कोंकण तट मुंबई से और गोवा तक यहाँ तक है ये और उसके अलावा मालाबार तट है तो मालाबार तट है ये गोवा से और कन्याकुमारी तक ये जो मालाबार तट है ये गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है उसके बाद में हम पूर्वी तट यानी ये तो क्या है ये तो अरब सागर में है पश्चिमी तट है ये सारे ये जो बात कर रहे हैं हम काठियावाड़ कोंकण और मालाबार ये कहाँ पर हैं ये अरब सागर है तो ये तीनों अरब सागर में स्थित है अब है पूर्व तट यानी बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है उसमें कौन कौन से तट हैं तो उसमें सबसे पहले है कोरोमंडल तट है ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तटीय मैदान में है उसके बाद में उत्तरी सरकार तट है ये भी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ही है जो आंध्र प्रदेश के तट के नाम से जाना जाता है ठीक है और उत्कल तट उत्कल यानी उड़ीसा के पूर्वी मैदान ये उत्कल तट है जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ उसके पूर्वी मैदान में ये पाया जाते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रमुख जीवमंडल नीचे कौन कौन से हैं तो भारत के जो प्रमुख जीव मंडल नीचे हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है नंदा देवी नंदा देवी कहाँ पर है तो नंदा देवी उत्तराखंड में यहाँ पर नंदा देवी जीवमंडल नीचे है यह इसकी स्थापना उन्नीस अट्ठासी में की गई थी और यह पाँच हजार आठ सौ साठ वर्ग किलोमीटर यानी 5860 फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है उसके बाद दियांग बियांग यानी अरुणाचल प्रदेश में है ये ये दियांग बियांग, अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना नाइनटीन 19 एट में की गई थी यह पाँच हज़ार एक सौ बारह वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है उसके बाद हम मानस की बात करते हैं तो मानस अभ्यारण है ये उन्नीस 1989, 1989 में असम में तो मानस तीन चीज हो गई मानस पर्वत हो गया मानस झील हो गई और मानस अभ्यारण भी हो गया यह दो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हम बात करते हैं अब नौकरेक तो नौकरेक जीव मंडल नीचे कहाँ है कई बार प्रश्न पूछा गया ये। तो है ये तो नौकरेख है ये कहाँ पर है मेघालय में यहाँ पर नौकरेक गारो खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर नौकरेक जीव मंडल नीचे है इसकी स्थापना भी 1988 1988 में की गई और इसका वर्ग क्षेत्र है यह कितने किलोमीटर में फैला हुआ तो ये आठ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उसके बाद में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर सुंदरवन जीव मंडल नीचे सिम्पली पाल सिमली पाल सिमली पाल कई बार पूछा जाता है तो सिमली पाल है उड़ीसा में है या शिमली पाल है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह चार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर नीलगिरी जीव मंडल नीचे भी है ये ये कहाँ पर है तीनों केरल तमिलनाडु और कर्नाटक इन तीनों के सीमाओं पर यह फैला हुआ है तीनों स्टेटों में है ये इसकी स्थापना 1980-1986 में की गई थी और यह 5,520 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है अब बात करते हैं मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार तो यह यहाँ पर है और यह तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में ये श्रीलंका के आसपास के क्षेत्र तक ये फैला हुआ है इसकी स्थापना नाइनटीन एट्टी नाइन में हुई थी और यह दस हजार पाँच सौ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अब हम बात करते हैं अचकनम अमरकंटक तो यह छत्तीसगढ़ ये दोनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है ये इसकी स्थापना दो हजार पाँच में हुई थी तो इस तरह से भारत के जो प्रमुख जीव मंडल नीचे हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा अब हम बात करते हैं कि भारत के जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं तो भारत के प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं वो है उत्तराखंड में उत्तराखंड में कारबेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है ये उत्तराखंड में है और दूसरा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है तो राजा जी भी उत्तराखंड में ही है तो एक तो कारबेट नेशनल पार्क और दूसरा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है ये उत्तराखंड में स्थित है अगला हम काजीरंगा की पूछा जाता है तो काजीरंगा कहाँ पर है तो सबसे पहले स्टेट के बारे में तो काजीरंगा ये यहाँ पर ये क्या है असम है तो असम में काजीरंगा फिर सिमलीपाल जो अभी पहले तोड़े पहले जीवमंडल नीचे और राष्ट्रीय पार्क दोनों ही है, हैं तो सिमलीपाल उड़ीसा में है जो अभी आपको बताया था ये उड़ीसा में शिमली पाल जीवमंडल नीचे भी है और नेशनल पार्क भी है राजस्थान में रणथंबोर और केवल केवला देव गाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये राजस्थान में है जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर जो लद्दाख में अभी दाची गांव है ये राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि आपको पहले बताया है कि इसके दो हिस्से हो गए हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो दाची गांव है अभी फिलहाल लद्दाख में है यहाँ पर केवला देव आपको बताई दिया है ये राजस्थान में है भरतपुर के पास में है केरल केरल में जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है पेरियार तो ये केरल में है और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट उद्यानों में से है इसमें साउथ में आपको शुरू में ही बता दिया था उत्तराखंड में कौन कौन से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है और कार्बेट नेशनल पार्क है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आशा है आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखा होगा समझा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव ए नाइस डे